गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे ब्लॉग में बहुत दिनों बाद। क्यों तो देखो, मेरा ब्लॉग बनाना नहीं हो रहा था। बहुत कमेंट भी आ रहे थे ब्लॉग बनाओ करके, मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बच्चों के एग्जाम शुरू है और उन दोनों को पढ़ाना पड़ता है, ट्यूशन नहीं है उनका, तो मैं ही घर में पढ़ाती हूँ। उसके लिए टाइम हैंडल नहीं हो पा रहा था, जो घर का काम है ये वो। लेकिन फाइनली आज मैंने सोच ली कि मैं आज तो ब्लॉग बनाऊंगी जरूर। तो अभी मॉर्निंग हो गई और सोनू स्कूल गई थी, स्कूल से जाके आई है, अभी जा रही है नहाने के लिए। आज सुबह में ठंडी इतनी थी तो नहा के नहीं गई थी, है ना। तो अभी गर्म पानी मैंने निकाल के दी उसको, तो चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ पराठा और चाय। दूध गर्म हो गया तो यहाँ पे मैं पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ। सबके लिए आज पराठे बनेंगे। वैसे बटर लेके आए चाय के साथ खाने के लिए, लेकिन आज मैं बोली चलो पराठा भी बनाती हूँ, एक हिसाब से नाश्ता भी हो जाता, लेकिन बटर के बगैर किसी को भी नहीं चलता हमारे यहाँ पे। चाय के साथ में ना बटर लगते ही है रोज डेली। बटर हो गए, चाय वो खारी हो गई, टोस हो गए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। कभी कभार ऐसा होता ना, जो रात में थोड़े से बर्तन रहते ना, तो वो धोने का मन नहीं करता। मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जान पे आता धोने का। तो सुबह में मैं पराठे के लिए देख रही तो तवा धोने में था, फिर मैंने फटाफट से साफ करी, चाय चढ़ाई जल्दी जल्दी। मोना को भी तैयार करना पड़ता है ना स्कूल के लिए, फिर उसको नहाने के लिए भेजी थी मोरी में। मैं बोली तू पहला नहा के ले, और फिर जल्दी जल्दी सबके लिए पराठे बनाई। और मोना को बोली बैग वग जो भी है तेरा कुछ लर्न करने का, तो लर्न करके ले जो पेपर में आने वाला है वो। तो फिर वो पढ़ते बैठी थी इधर एक साइड में। आए इतवार उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना सुबह के टाइम में, तो फिर जल्दी जल्दी से बना के लिए मैंने पराठे, और सबको चाय नाश्ता वगैरह हो गया एकदम अच्छी तरह से। तो फिर मैंने ना मोना के बाल वाल बना लिए, उसका जो बैग था वो भर ली। अभी सोनू भी तैयार होके बैठी है स्कूल को लेके जाने के लिए। गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? तो फिर मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी मोना बाकी है, उसकी भी पोनी हो जाएंगी जब हम लोग निकलेंगे। हाँ, तो मोना तैयार हो गई स्कूल के लिए, अभी जा रही है सोनू छोड़ने उसको। ये लेके जाके छोड़ती हूँ उसको, मोना को। और हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अभी मैं जा रही हूँ स्कूल और मम्मा ने मेरी चोटी भी डाल दी है। आया है मुझे ऐसा काम से करना चाहिए ना, ऐसा ये लोग स्कूल जाएंगे ना उसके बाद में सब काम अच्छे से हो जाता है वो लोग। हाँ वालेकुम अस्सलाम। फ्रिज में ना दो चार दिन हो गया था भाजी ला के रखे थे, कैसी है क्या पता, इतनी फ्रेश थी ना पूछो मत। अभी चार दिन के बाद निकाल रही उसको बनाने के लिए। भाजी कट कर रही थी मैं बनाने के लिए पालक की, तो आयत वारिस को नहलाई पहले और फिर उनको ये करी रेडी। और ये देखो हमारी आयत का, हमने बाल पूरे तरह से निकाल दिए थे, टकली बना दिए थे आयत को। तो आयत टकली हो गई ना, तो वारिस भी बोल रहा था मेरे भी बाल निकालो, तो फिर वारिस के भी निकाले। इधर आ वारिस, बता गाइस को। बता वो रख क्या। हाँ ये देखो वारिस को कैसा दिख रहा वारिस। और अच्छा हुआ कि ये तो कितने उसके बाल एकदम पतले थे, और बाल तो वापिस उसके तुरंत आ जाते, दो चार दिन हो गए लेकिन देखो कितने बाल आ गए। बात बात में ना घर का खाना बनाने का रह जाएगा, और फटाफट से सब्जी और रोटी बनाती हूँ। रोटी थोड़ी सी बाकी रह गई थी, पराठे बना के आधा आटा वैसी रख दी थी मैंने, तो अभी रोटी भाजी बना के लेती जल्दी जल्दी, जब तक आयत वारिस थोड़ा खेल के आएंगे बाहर। घर के अंदर भी बैठ बैठ के बोर होते बच्चे, और इतने ज्यादा शरारती है आयत और वारिस, चिल्लम चिल्ली करते बाहर जाके, तो वो भी ये नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसा परेशान करना किसी को। तो फिर अभी चलो, अभी जल्दी जल्दी इन लोग ने तो सबने नाश्ता करके लिए, अभी मैं खाना बनाती हूँ। सिर्फ सब्जी रोटी बनानी है, रात में मैंने बिरयानी बनाई थी ना वो भी है बहुत सारी बची हुई, तो वो गर्म करूंगी।
और घर में इतना ज्यादा पसारा हो गया पूछो मत। जैसा कि मतलब जब सुबह उठती ना तो इन लोग के स्कूल की तैयारी में मेरा कुछ घर का काम नहीं होता, मतलब जो मैं बर्तन कपड़े ये वो कुछ नहीं होते। तो अभी जैसा वो स्कूल जाएंगे उसके बाद से मैं सारे काम घर के करके लेती हूँ, तो दिन भर खत्म ही नहीं होता काम की, तो कभी पानी आता कभी नहीं आता ऐसा है। अभी जा रहे आए तो वारिश बाहर खेलने, खेल के आएंगे, जब तक मैं घर की साफ सफाई करके लेती हूँ। सोनू गई मोना को स्कूल को छोड़ने के लिए, अभी तक आई नहीं, और आयत वारिस भी जा रहे तो पूरा घर खाली हो जाता है, तो फटाफट से घर का काम करके लेती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ अभी। तो मैंने ना सब्जी कट करके ली, अभी इसको बना रही हूँ मैं झटपट। जा रहे थे नमाज के लिए ना तो वारिस आयत पीछे लगे थे, तो वो बोले नमाज पढ़ के मैं तुमको बुलाऊंगा नीचे, तो अभी उनकी नमाज पढ़ के हो गई, जा रहे बच्चे लोग नीचे उनके साथ में बाइक पे एक राउंड मारने। किधर लेके जा रहे? हाँ घूमने के लिए लेके जा रहे। मुझे तो इतनी सुस्ती आई ना काम देख के, सच्ची में बहुत सारा काम है ना घर में इसके लिए। पहन रही शूज सोनू और ये जा रही, रख रख के शूज छोटा हो गया ना। हाँ ना बेचारा मेरा शूज कब से पड़ा हुआ था, मैं वही निकाल के पैर इतने। सोनू का ऐसा है कि कोई भी चीज उसको एक से दो महीने में ना छोटी हो जाती, जैसा कि कपड़े हो गए फिर चप्पल हो गई, तो शूज लेके आए थे एकदम अच्छी क्वालिटी का और दो साइज बड़ा लेके आए थे, मतलब वो जब पहनती थी ना तो पैर में से बाहर निकलता था, लेकिन अभी उसको आ रहा नहीं। लोग की मस्ती चल रही वारिस आयत की, तो तुमको देख मेरे चेहरे देख के लग रहा है मैं कितनी ज्यादा एकदम सुस्ताड़ हो गई। और अभी चलो फ्रेश भी होती हूँ काम करके। पहला यहाँ पे ना रात का पुलाव था थोड़ा सा बचा हुआ, ये चाय पी के चले गए, थोड़ी सी ये भी चाय भी बची थी, अब इसको ऐसे फेंक रही हूँ मैं। भाजी बना रही हूँ, यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, कल चिकन फ्राई करी थी उसको ऑयल था कढ़ाई में वैसे ही। आ जा ऊपर, आ रहे रुकना, आ जा ऊपर, रो मत करने का ऐसे, रोते हुए क्या आने का, लेके जा रही चल सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। मोना आ गई स्कूल से पेपर देके, अभी वो लोग अभी मोना स्कूल से आई, वारिस आयत और सोनू गए नीचे घूमने के लिए जा रहे ना, तीन दिन से रोज जा रहे, लेकिन फिर भी इतना रोना आ रहा उनको, तीन दिन से रोज घूमने के लिए जा रहे बाहर। हाँ अभी ये चेंज कर रही है कपड़ा, कपड़ा चेंज कर रही है। कौन सा पहन रही है? पहनो फटाफट, उधर करो ना। तो मैं थोड़ी तुझे बताने वाली हूँ, चल पानी वानी पी ले, इतना मतलब ये मत कर घूमने के जाने के चक्कर में, दिखा कैसे लग रहा है। उसको रास्ते में पापा मिले थे। हाँ उसको अभी पापा रास्ते में मिले थे, अच्छा हो तो जल्दी आए। सोनू का ड्रेस मस्त लग रहा, दिखा आधा घंटा तो रुका, जैसे लॉन्ग और फुल स्लीव्स के अच्छे लगते। तुम लोग मस्त घूम के आओ एक दो घंटा, मैं तब तक अपने घर का सब काम करके ले। रुक मैं चोटी बनाती हूँ तेरे बाल बनाती, रुक एक मिनट। अरे मैं तो पूछना भूल गई, पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा। अच्छा गया? सब इजी थी जो दे, तू पेंसिल छिलके ना तेरे फेस पे लगाती, कैसा पूरा काला लगता, जा एक बार फेस वॉश कर जल्दी से, जा जल्दी। तू तो रेडी हुई ना? हाँ पूरे करेक्ट लिखे वाले, जा जा अच्छे से मुंह धो, पहले मैं लाइट लगाती हूँ। हाँ तो मोना हो गई रेडी, तैयार हो गई मोना भी, आयत मोना और सब जा रहे घूमने के लिए। मैं नहीं जा रही, मुझे बहुत काम है घर के अंदर। मैं बोली तुम लोग घूम के आओ, मैं घर की क्लीनिंग करके लेती हूँ साफ सफाई, आराम से दो तीन घंटा। क्या बोली? आराम से आराम। तो बच्चे लोग और उनके पापा आ गए बाहर से घूम के, अभी उनको खाना दे दी। तो पालक की भाजी बना ली मैंने, हमारे यहाँ पे ना पालक की सब्जी किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन आज मैंने जबरदस्ती से बनाई। चलो मैं खाना खा रही हूँ, अभी निकाल रही हूँ खाना। तेज नहीं लग रही भाजी? नहीं कैसा बैठ के खा रही? कैसी बनी जी भाजी? मस्त। ए टकलू
तो यहाँ पे खाना खा के हो गया। 3 दिन से ना गैलरी में कपड़े सूख रहे थे, मैं बोली चलो फटाफट से निकाल के ना घड़ी करके रखती हूँ कबाट के अंदर, लेकिन अभी तो मैं घड़ी करने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं था, तो पहले निकाल के रख दी एक कुर्सी के ऊपर और जल्दी जल्दी ना सब काम करना स्टार्ट करी हूँ, जो कि घर में जो फैला हुआ सामान था वो सारी चीज़ें सेट कर रही थी और झाड़ू वगैरह भी मारना था। और एकदम अच्छे से सब सारी चीज़ें हो जाती है जब बच्चे थोड़ा एक साइड में बैठते या फिर सुकून से कुछ, तो बच्चे घूम के भी आए तो मेरा काम चल ही रहा था। तो मैंने सबसे पहले देखो मैंने ना रोटी और भाजी बना के ली वो लोग घूम के आने तक। तो यहाँ पे देखो मेरा सब घर का काम हो गया, जल्दी जल्दी मैंने सब साफ़ करके ली। अब बारी आती है मशीन लगाने की, यानी कि जो 3 दिन से जो कपड़े जमा हो गए थे आप देख सकते हो कितनी सारे कपड़े हो गए थे, पूरी वॉशिंग मशीन भर गई थी एकदम से। क्यों तो देखो चारों बच्चे हम दोनों, तो फिर ऐसे 3 दिन के ना कपड़े बोलेंगे ना बहुत ज़्यादा हो जाते, और फिर कभी कभार अभी स्टार्ट करूँगी ना तो शाम तक हो जाएंगे, क्यों तो पानी आता नहीं आता ऐसा होता ना इसके लिए। तो यहाँ पे मैं मशीन लेके खींचते हुए लेके आ रही हूँ, व्लॉग भी बना रही हूँ, दोनों चीज़ें ना हैंडल कर रही हूँ। फिर यहाँ पे बच्चों को मैं बोली थी तुम लोग बिल्कुल इतना ज़्यादा शोर करते ना पूछो मत, तो मैं बोली तुम लोग ना बिल्कुल आवाज़ बंद करके सो जाओ। तो उतने में उनके पापा भी आए, वो भी सो गए उनके साथ में। तो मैं बोली तुम लोग सो जाओ, मैं अपना काम करती हूँ, खाना वाना खाने के बाद में क्या काम रहता है, कुछ नहीं, तो फिर चुपचाप सो जाते हो। तो देखो कितने सारे कपड़े हैं, तो इतना टाइम लगता ना पूछो मत। और जैसा सिंक के अंदर भी पानी नहीं आता ना, तो कभी कभी मुझे वॉशरूम में कपड़े वगैरह कुछ भी जो रहते ना वो धोना पड़ता है। तो मैंने सारे बर्तनों को ना वॉशरूम में रखी, और फिर उसके बाद में फिर मैंने अंदर बैठ के एकदम सुकून से बैठ के धोएंगे तो फिर हो जाते जल्दी जल्दी। तो आप देख सकते कितना सारा मैंने साफ़ सफाई तो पूरी हो गई, सिर्फ बर्तन और कपड़े बाकी हैं। काम करते करते हो गया सर का टाइम, काम तो चलते रहेगा। वैसे मैंने कपड़े लगाए वॉशिंग मशीन में, अभी टाइम क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। 6 बजे मैं कपड़े कैसे धोती हूँ, सब जीन्स अलग, जीन्स के पैंट अलग धोती, वाइट कपड़े अलग, साफ कपड़े अलग, और बच्चों के अलग, बच्चों के भी अलग ही धोती हूँ मैं, वाइट और सादी भी अलग, और जीन्स भी अलग, जीन्स भी अलग से धोती हूँ। ए मस्ती मत करो, कितना पसा रहा है इधर, सब साफ है ये हटाने का। बर्तन लगा रही हूँ, इतने बर्तन धो के ली थी मैंने आज। ये
बुक किसकी उठाओ? क्यों साइकिल खेल रही? पढ़ाई करने का नहीं, कल पेपर है इंग्लिश का। सोनू मोना आया, तुम्हारी चारों सोए थे, उनके पापा भी सोए थे। फिर अभी वो उठ के नमाज के ले गए असर की, फिर मुझे बोले चाय बना, दूध खत्म हो गया था तो चाय नहीं बनाई मैंने। और वारे सब भी उठा जस्ट, आयत आयत बाहर जा रही ना, ऊपर आ जा। ये देखो बाहर भागने के खाली बहाने ढूंढते बच्चे लोग। और क्या चल रहा है? और ये पढ़ाई कर, कपड़े जो है ना इतने सब घड़ी करने के हैं। अब आरिस टकलू देखो इसके ना फर्स्ट टाइम जैसा ये हुआ ना, तब से जो छोटा था तब एक बार बाल कटवाए थे, उसके बाद में तो एकदम अजीब लग रहा था। पहले पहले स्टार्टिंग में तो अलग ही लग रहा था, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और आयत भी वैसे दिख रही, आयत के थोड़े पहले से कम हम हमेशा बाल ये करते। ये देखो आयत ने क्या करे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं टकला हो गई। तो देखो देखते देखते पूरी शाम हो गई, 6:30 बजने को आए। अभी सोनू और मुनि के अरबी का टाइम होता और मैं, आप लोग देखे ना सुबह से शाम तक मैं कितनी ज्यादा बिजी रहती। और अभी आज मैंने व्लॉग बनाई ना तो बच्चे लोग थोड़ा भी पढ़ते नहीं बैठे थे, नहीं तो मैं रोज नए व्लॉग नहीं बना रही थी ना, तो मैं रोज उनको लेके बैठ रही थी पढ़ने के लिए। अभी कल से तो मेन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं उनके, लेकिन अभी उन लोग को मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देखो ना जब तक मैं उनके पास में नहीं बैठती ना तब तक नहीं पढ़ते, अभी वैसे ही करना पड़ेगा, मुझे बैठ के उनको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो मोना मुझे लगा पढ़ते बैठी है, लेकिन मोना टाइम पास कर रही ड्राइंग करते बैठी। हालांकि उसका ड्राइंग का पेपर खत्म हो गया। सोनू को बोले तो सोनू मोना को बोल रही, मोना को बोले तो मोना सोनू को बोल रही दूध लाने के लिए। अभी मुझे जाना पड़ेगा क्या? हालांकि मैं ना सब्जी विब्जी भी लाने के लिए नहीं भेज रही अभी दोनों को भी, मैं मेरा लेके आ रही थी। तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और 3 दिन, उसके बाद में तो फिर मजे ही मजे हैं लोग के। बहुत दिन हो गया किधर गए नहीं ना, तो फिर इसके लिए अभी चलो, छुट्टे पैसे नहीं है, मिल गए। फ्रिज के ऊपर कैसे भी, फ्रिज पे ना ज्यादातर मेरा सामान बहुत सारा रहता। मस्त लग। हाँ बेटा बैग चाहिए, बैग देती, रुक में तेरा। दूध का पैकेट लाओ, गोकुल 50 रुपीज है। ये देखिए 20 रुपीज है इसमें। हाँ नहीं रे 50 नहीं है, इसे देखो 55 है। है ना 55 है। अच्छा तुम कुछ, तेरे को कुछ लेना है तो ले ले। क्या चाहिए तेरे को मोना? ये देखिए इधर ना एक न्यू दुकान खुली है, वहाँ पे एक ना न्यू टॉपिंग आया है, वो लेकर ले। बैग कितना गंदा खरी रहे मोना सोनू। आ मेरा बैग गंदा नहीं होता, देखो तुम अभी। ये मैंने एक लड़की को दी थी, उसने कैसा करके ला के लिए। कल है क्या इसका पेपर? कल किसका पेपर है? SS। फटाफट लर्न करते बैठो चलो। हाँ कपड़े इतने घड़ी करने के, मेरा तो काम कब खत्म है, मेरा तो काम ही खत्म नहीं होता गाइस, क्या बोलूं, चलते रहता दिन भर एकदम बिजी रूटीन है मेरा तो। इतना कि मेरी सुबह में जब उठती ना उसके बाद से अभी तक कितना भी काम करो कुछ भी करो, मैं खाना अगर दिन भर भी नहीं खाऊंगी तो भी मैं दुबली नहीं होती, मेरा वजन कम नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैंने ना अभी मैं जब ब्लॉग नहीं बना रही थी ना तो मैंने ना 17 रोज़े रखी, बोल के नहीं बता रही हूँ, 17 रोज़े रखी मैंने फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, लेकिन मेरा ना 1 किलो भी वज़न कम नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे डार्क सर्कल आए बस, दिख रहे बस इतना ही, इसके बाद में कुछ भी नहीं, ऐसा मतलब मेरा हिसाब है ना सोनू सोनू अश्री
जीन्स की पैंट जो थी ना वो धोके हो गई, निचोड़ रही साफ पानी में। कोई कोई इतनी गंदी हरकत करते ना, गंदे पानी में से ही कपड़े निकाल के इसमें डाल देते तो ना वो कपड़े सही नहीं धोए जाते, एकदम एकदम गंदे गंदे लगते, समझे। ये दो चादर धोने की थी, को थोड़ा बंद कर गेट को, मेरे आयत वारिस की कलक आ रही। देखो ये देखो, इतनी साफ दीवार थी ना, ये देखो आयत को बुक पे लिख बोलेंगे तो लिखती नहीं। देखो ए फॉर एप, ये ए, ये वन, क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा बहुत कुछ लिखी उसने इधर। उनका देख के मोना भी अच्छी बन गई। हाँ तो ये ऐसी कलाकारी है ये। चादर चादर गोदड़ी वदड़ी ना मैं इस पे सुखाती हूँ ऐसा, तो सूख जाते। चलो तो यहाँ पे जींस सूख रही और ये पानी है, इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब इसमें ना तो बच्चों के कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, तो बच्चे के कपड़े इसमें धो जाएंगे, जो साफ निचोड़ा हुआ पानी रहता ना वो क्यों फेंकने का। चलो गर्मा गर्म चाय, तो आइए मेरी स्पेशल चाय पीने के लिए। बहुत ज्यादा टेस्टी चाय बनाती हूँ मैं, देखो ये लोग। खुद से खुद की तारीफ करना बनता ना, है ना। चलो चाय पी के जल्दी जल्दी दूसरा भी कुछ काम फिनिश कर लेती हूँ। आज का डेली रूटीन का व्लॉग है गाइस, तो चल रहा है, देखो कितना टाइम हो रहा है, 7 बजने को आए और अभी तक काम चल रहा है सुबह से। तो सोचो मैं आज का डेली रूटीन का ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ आपके लिए, फिर कल से इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग इंशाल्लाह। 6 तारीख के बाद तो अच्छे हाँ सही तो ना, 6 तारीख के बाद में ना बच्चों को छुट्टी लगने वाली, इतना थोड़ा सा काम है कुछ मेरा, वैसे तो हो चुका ऑलमोस्ट सारा। चलो अभी कपड़े खड़ी करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं 11, खाना बना के खा के हो गया, दाल गोश्त और चावल बनाई थी, रोटी थी दोपहर की तो इसके लिए दाल गोश्त और चावल बनाई थी, बस खाना खा के हुआ और इतने बर्तन निकल गए। ये मेरा डेली रूटीन है और फिर सारे कपड़े वगैरह धो के हो गए थे तो मैंने इधर पे लगा ले। अभी सब काम हो गया फाइनल, अभी इतना काम है, इसको मैं पूरा डन करके सोऊंगी। तो बस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है गाइस, तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।